किया है कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी ने बोला था वो तत्काल में किया है, और मान लो आगे भी हमारी सत्ता आती है केंद्र में तो वो बराबर हमारी बहनें विदिशा से मिलने भी गईं, और मुख्यमंत्री जी पूर्व मुख्यमंत्री जी ने बोला भी है कि यदि हमारी सत्ता केंद्र में रहेगी और मोदी जी से तत्काल बात कर रहे हैं, और यदि हमारी सत्ता आगे चल के रह रही है तो हम आप लोगों को तत्काल सस्पेंड करेंगे। और उन्होंने बोला कि मुख्यमंत्री जी की गलती है, मान लो उन्होंने वादा किया है कांग्रेस सत्ता ने तो उनको करना चाहिए। भाजपा की जब सरकार थी तब भी आप आंदोलनरत थी, उस समय में नियमितीकरण की मांग थी, आज भी नियमितीकरण की मांग है, लेकिन उस समय भाजपा ने आपकी मांग पूरी नहीं की, क्या कहेंगे? नहीं, उन्होंने तत्काल में मानदेय तो बढ़ा दिया था, और अभी दीदी लोग बोल रही हैं कि मान लो उन्होंने रिटायरमेंट पे 1,75,000 की राशि की थी। नियमितीकरण तो नहीं किया था? नहीं, नियमित नहीं किया था। वो बोल रहे थे कि यदि सत्ता हमारी रहेगी तो आगे चल के हम नियमित करवाएंगे, और केंद्र से जरूर किया था कि वो आपको नियमित। हाँ, कमलनाथ जी ने सत्ता में आने के पूर्व वचन पत्र में लिख के दिया है कि जैसे ही हमारी सत्ता आ रही है तो हम तत्काल आपको शासकीय घोषित करेंगे। अभी तक नहीं किए? अभी तक नहीं किया। 27 तारीख को हम संगठन को बुलाया भी था उनने, क्या लग रहा है? लेकिन उनने ये कहा अभी तो 60 दिन हुए हैं, 90 दिन हो जाने दो। 90 दिन हो गए और उनकी सत्ता नहीं आई तो हम लोग तो सड़कों पर फिरेंगे ना, तो इसलिए हमने तत्काल, जबकि जब से हमारी सत्ता इनकी जनता पार्टी की गई थी तो उन्होंने मानदेय नहीं मिला था, पैसा ही नहीं है, मध्य प्रदेश में पैसा नहीं है, कुछ भी था, लेकिन हमारे शिवराज भैया ने भले ब्याज से उठाए कि कुछ भी, लेकिन हम लोगों को तत्काल मानदेय दिया था। आज यहाँ पर आए थे कि हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए हमारे भैया शिवराज भैया ने हमारी बहनों की चिंता की थी, मानदेय दोगुना किया था, और शासकीय कर्मचारियों को जनवृत्ति होने जाने पर शासकीय काम छोड़ देने के बाद जो 75,000 और 1,00,000 रुपए की राशि देने की घोषणा की थी उसका आदेश इन लोगों के लिए अभी तक नहीं आया है ऑफिस में, तो इन लोगों को पैसा नहीं मिल रहा। दूसरा, इनका जो कर्मचारियों के लिए नियुक्ति की मांग आई थी कि इनको शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए, इन बहनों के पास बहुत सारे काम रहते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक के काम इनके पास हैं, और ये बहनें पूरे समय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बन के अपना काम करती हैं, जितनी भी हमारी शासकीय योजनाएं चलती हैं इन सब चीज़ों में इनका इनके द्वारा हितग्राही को लाभ मिलता है, तो इनका जो भुगतान है और इनके जो आदेश हैं उनको तत्काल मुख्यमंत्री जी करें, क्योंकि इन बहनों की मेहनत से ही सरकार चलती है और हमारे देश की जो योजनाएँ चलती हैं शासकीय हों अशासकीय हों, से बहनें मेहनत करके काम को पूरा करती हैं। बहनों के पास बहुत सारे काम हैं, ये सब कामों को छोड़ के 3 बजे तक 3:30 बजे तक अपनी दोपहर में घर परिवार को छोड़ के भूखी रह के बच्चों की योजनाएं, गर्भवती महिलाओं की योजनाएं और जो भी योजनाएं इनके पास आती हैं सबका लाभ ये दिलवाती हितग्राहियों को, तो इनको तत्काल इनके काम के लिए और इनका भुगतान पूरा दिया जाए और इनको शासकीय घोषित किया जाए। हम लोग कल महिला दिवस मना रहे थे लेकिन हमारी बहनें यहाँ भूख हड़ताल पर बैठी थी, एक शर्म की बात थी कि हमारी बहनें आज इतनी मेहनत करने के बाद भी जमीन पर बैठ के अपनी मांगें पूरी करने के लिए आवाज़ उठा रही थी।